हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम लोग फ्लाइट सिम्युलेट करेंगे लंदन से कीव के बीच में। हम लोग आज लंदन से भी कीव के बीच में बोइंग 717 चलाने वाले हैं, और ये फर्स्ट ऑफिसर बन के हम लोग चलाएँगे इसमें। और यहाँ से हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हमारी फ्लाइट को पुश बैक किया जा रहा है ट्रक से। यहाँ से हम लोग फ्लाइट को स्टार्ट करके रनवे पर ले जाएंगे। तो फ्लाइट की सारी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी मैं आपको इस गेम के बारे में बताऊंगा। और ये हम लोग की पुश बैक, और हम लोग ये एक बार फ्लाइट रूट था वो, इसके बाद ये फ्यूल की क्वांटिटी है, फ्यूल की क्वांटिटी से फिर इसके बाद ये रडार है, और उसके बाद हम लोग फ्लाइट के अंदर जाके प्लेन को चालू करेंगे और फ्यूल की वजह देखेंगे। ये सही है, यहाँ से बहुत है सही है। तो हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने राइट साइड का इंजन स्टार्ट किया, लेफ्ट साइड इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। और इंजन स्टार्ट करने के बाद हम लोग थोड़ी सी फ्लाइट को आगे बढ़ाते हैं और फ्लैप्स को टू पे कर देते हैं, और इससे हम लोग आगे रनवे की ओर ले चलते हैं। इसको नीचे रखना रहेंगे, और एक बार मैंने ब्रेक लगा के यहाँ चेक किया कि सारी चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही। और ये चेक पॉइंट है फ्लाइट का, ये चेक यहाँ पर सामने ब्रेक लगा रहा हूँ। शायद कोई फ्लाइट आज सामने आ रही होगी, तो हम लोगों ने इमरजेंसी में ब्रेक लगा के यहाँ रुका। हम देख सकते हैं कितना आगे आ गया था। हम लोग को फिर से जाने के लिए दी गई है ATC द्वारा। और ये फोर चेक पॉइंट को क्रॉस करने वाले हैं। थोड़ी सी स्पीड जाना ज़्यादा होने के कारण कंट्रोल हो जाती है फ्लाइट, तो मैं स्पीड को थोड़ा सा कम ही रखूँगा। और ये कॉकपिट के अंदर से आपको नज़ारा दिख रहा है, ये कॉकपिट के अंदर भी रियलिस्टिक बनाया गया इसमें। हम देख सकते हैं 28 नॉट्स के स्पीड से चल रही है। हम 14 नॉट टच करते हैं, इसमें ब्रेक लगा दिया। और यहाँ से हम लोग रनवे पे आ चुके हैं A9, और रनवे पर हम लोग को क्लियरेंस देखते हैं मिलता है या क्या। सामने से शायद से कोई फ्लाइट आ रही है, इसलिए रनवे ब्लॉक है। वेट करते हैं थोड़ी देर, सामने से फ्लाइट अब देख सकते हैं। हम लोग को क्लियरेंस मिल चुकी है, और अगर आप लोग फ्लाइट के अंदर कॉकपिट में अपने भी देख सकते हैं कितनी डिजिटल लग रही है, सारी चीज़ें रियल लग रही है। और हम लोग यहाँ से एक बार फ्लैप्स को फुल कर लेते हैं और स्प्रेड करते हैं, और एक बार फिर से हम चेक करेंगे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ब्रेक वर्क कर रही है, स्प्रेड वर्क कर रहे हैं, और ब्रेक मार्क हम चेक करेंगे। और हम लोग यहाँ से फुल थ्रॉटल देके फ्लाइट को टेक ऑफ करेंगे। और जैसे हम लोग 150 की स्पीड जाएगी, 150 नॉट्स की, हम लोग फ्लाइट को टेक ऑफ कर लेंगे। हमारी स्पीड 120 नॉट्स की, और फुल और थ्रॉटल देखें हम लोग, और यहाँ से ऊपर की ओर करते हैं टेक ऑफ।
हम लोग की फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, अभी हम लोग लैंडिंग गियर को बंद कर लेते हैं। अब फ्लैप्स को भी ऑफ कर लेंगे, कॉकपिट में जाते हैं। और हमारी फ्लाइट 350 नॉट्स टच कर चुकी है, 1700 फीट पर उड़ रहे हैं। हमको आगे चेक पॉइंट है 600 फीट पे, DET 34। हम लैंडिंग करने वाले हैं, चेक पॉइंट से लैंडिंग करेंगे। इसमें लीटर है तो फुल 5 मीटर नहीं है। स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं और 1900 फीट पर फ्लाइट ले जाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग करीब तकरीबन 2000 फीट पे आ चुके हैं और A3 चेक पॉइंट। और हम लोग की स्पीड फिर से 409 नॉट्स की हो चुकी है। हम फुल ब्रेक स्ट्रेसन करते हैं, फुल ब्रेक लेके स्पीड को कम करके उसका लैंडिंग गियर को डाउन करेंगे। लैंडिंग गियर 210 नॉट्स के नीचे खुलती है, बट हमारी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा थी तो लैंडिंग गियर इसलिए नहीं खुल पाई। लैंडिंग गियर खुल गया, नीचे से लैंडिंग गियर खुल गया। Cockpit है 300 minimums. और यहाँ से 100 meter रखे और फ्लैप्स को ऑन कर लेते हैं, फ्लैप्स फुल करके रख लेते हैं। और ये 100 meter हम लोग ट्राई करेंगे परफेक्ट लैंडिंग को। 50 40 30 18 retard 13 meter retard 10 retard retard ब्रेक लगा के परफेक्ट लैंडिंग कर चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर सीन का तो देख सकते हैं व्यू, और हम लोग परफेक्टली लैंडिंग हो चुकी है। लंदन से कुवैत के लिए परफेक्ट लैंडिंग हो चुकी है। और ये कॉकपिट का भी देख सकते हैं, पूरा रियलिस्टिक लगता है। और जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे इसमें भी ब्रेक लगेगा, इसकी भी बटन वर्क करती है। ब्रेक लगा आपको दिखाऊंगा,
देखिए और सीट्स भी है, बाकी रिसेप्शन बटन और हैंडल वगैरह देख सकते हैं। ब्रेक अप्लाई मैंने जैसे ही किया, फ्लाइट टूट चुकी है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करो जरूर बताइएगा।